ये है सिंगापुरी पनीर नूडल्स। भैया के पास आया बहुत सारा पैसा। ये आधा आधा कितना निकालोगे? नंबर भी बता दो। दिखा क्यों रहे हो बस? सीक्रेट सर्विस। नंबर बता दो यार भैया। अरे इधर नहीं हट। Hey guys, welcome back to my channel Vijaya Vlogs। ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लो, क्योंकि वीडियोस तो बहुत सारी अच्छी अच्छी आती रहती है बट आप लाइक नहीं करते हो और भूल जाते हो एंड तक देखने में। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, अपने व्यू भी दिया करो। सो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो ये है इवनिंग का टाइम, बहुत ही अच्छा सा मौसम चल रहा है आजकल। यहाँ पे तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है दिल्ली नोएडा में, और मुंबई में तो समझ लो बाढ़ आ रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी गर्मी तो है ही है। आफ्टरनून में बहुत गर्मी लगती है बट इवनिंग का मौसम थोड़ा सा इस तरीके का हो जाता है, मज़ा ही आ जाता है। मैं नीचे जाती हूँ घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो कल ऐसे ही हुआ कि भैया भी आ गए, तो हमने सोचा कि चलो मार्केट चलते हैं। भैया मार्केट जा रहे थे तो बोले कि चलो, बोले हाँ चलो थोड़ा भी वॉक भी हो जाएगा और फिर सब्जियों का भाव भी पता चल जाएगा, क्योंकि आज की इतनी महंगाई है ना कि हर चीज़ पता होना ज़रूरी है। मैं तो सब्जी नहीं लेती बट पता होना ज़रूरी है ना आई थिंक। तो फिर सब्जियाँ हम ले रहे थे और यहाँ पे आई थी इस मार्केट में मैंने सेकेंड टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम एक बार आई थी बट थोड़ी सी रात हो चुकी थी तो इतना क्लियर दिख नहीं था, बट इस दिन के उजाले में बहुत ही क्लियरली सब कुछ दिख रहा था। और बहुत लंबी मार्केट लगती है, लाइन से सारे सब्जी वाले लगा के रखते हैं, जो सब्जी चाहिए जो खाना है सब कुछ। बट ये एक प्रॉब्लम है, अब सब्जी तो मैं लेती नहीं बट तो मुझे और भी चीज़ें लगानी चाहिए। मुझे लगता है अगर लगाएंगे तो यहाँ की जितने भी सोसाइटी के हैं, इस साइड सारी सोसाइटीज़ हैं और इस साइड दूसरी साइड में सारे कॉलोनीज़ हैं, तो फिर सारे लोग यहीं पर आएंगे तो इनकी बिक्री ना बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए मेरे हिसाब से कि सारी चीज़ें इन्हें लगानी चाहिए और मज़ा भी। मुझे क्या मालूम आपको लेना है। ये देखो इनको गांव को फिर ले रहे, टूट जाएगा। और देखो हमारे खुशी में मुंह लाल करके बजरंगी मलिक बन गए। हाय प्रेंडा, ये मेरे भैया है, इनको बोला दौड़ने के लिए, दौड़ नहीं पा रहे हैं, इनके पेट में जम गया है चर्बी, पड़वा गई है। हाय फ्रेंडा, इनका पेड़ पे चढ़ने का शौक हो गया, ये बंदरिया बन रही है हमको। हाय फ्रेंडा, हमको थोड़ी देर के लिए गांव की याद आ गई है, हरा हरा सब देख देख के। और हम अभी खाने जा रहे हैं, क्या खाएंगे? वेज सिंगापुरी चाउमीन जो हम पहली बार खाएंगे, पता नहीं कैसा है टेस्ट, देखते। ये है सिंगापुरी पनीर सिंगापुरी नूडल्स। लाल लाल कर दिया पनीर, ना सिंगापुरी दे दिया ना। जहाँ पे मैंने बोला नहीं वहाँ पे मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। सो यहाँ पे हमने खा लिया था चाउमीन, कौन सा चाउमीन था, वेज सिंगापुरी पनीर चाउमीन। तो चाउमीन बोलना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है तो मैं नूडल्स ही बोलती हूँ, और मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, मतलब ओके था। मतलब बोलते हैं ना, एक बार में जो चीज़ पसंद आ जाए वो पसंद आ जाए, और एक बार में जो चीज़ पसंद नहीं आए तो फिर वो आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लो या फिर कुछ भी कर लो वो पसंद नहीं आने वाली है। तो ऐसा ही कुछ होता है मेरे साथ भी। तो हमने आ गए घर पे, सॉरी घर पे नहीं, सोसाइटी में आ गए थे। भैया चले गए थे घर में थी नीचे, और थोड़ा बहुत वॉक करके, मैं वॉक नहीं कर रही थी, मैं एटलीस्ट बैठी थी क्योंकि हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी, तो मैं बैठ के हवा का इन्जॉयमेंट कर रही थी। और सो ये वीडियो बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच, मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।